ये है बोट की ईयरफोन जिसे मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ और अमेजन पे इसकी कीमत 1500 रुपए है। तो देखते हैं क्या ये बोट की ईयरफोन हमारे पैसे वसूल कर पाएगी। बॉक्स में है ये ईयरफोन, टाइप सी चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल और कार्ड्स। इसका केस तो बहुत ज्यादा ग्लोसी है और प्रीमियम भी लग रहा है, पर एक्चुअल प्रीमियम फील तो साउंड में आना चाहिए इसके, तब मजा आएगा। तो चलो अब इनका साउंड टेस्ट करते हैं। हमारी ईयरफोन कनेक्ट हो चुकी है, अब प्ले करते हैं कोई अच्छी सी बीट। इसका साउंड तो बहुत ही लाउड है, ये हाफ ही नहीं है ईयरफोन है लेकिन साउंड बड़ा लाउड आ रहा है। 13mm ड्राइवर की वजह से साउंड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे इसके साथ एक दिक्कत लगी है कि इसका बेस थोड़ा कम है, लेकिन चल जाएगा। पर इसकी कनेक्टिविटी तो बहुत फास्ट है यार, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। देखो कनेक्ट हो गए। और एक पते की बात बताऊं, इस ईयरफोन में IWP टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे केस खोलते ही ईयरफोन ऑन हो जाती है और केस से निकालने पर ईयरफोन तुरंत फोन से कनेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस ईयरफोन में हमें क्या क्या कंट्रोल्स मिले हैं। सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए हमें सिंगल टैप करना होता है और अगला सॉन्ग लगाने के लिए डबल टैप करना होता है। अब देखो सेम चीज कॉल पे भी होती है, अगर मुझे किसी से उधारी लेना है तो सिंगल टैप करके उसका कॉल रिसीव कर दूंगा, और अगर किसी की उधारी देना है तो डबल टैप करूंगा और कॉल को कट कर दूंगा। 1, 2, 3 बीस्ट मोड एक्टिवेट। अब वक्त है गेमिंग का। देखो भैया इस ईयरफोन की लेटेंसी है 50 मिलीसेकंड, थोड़ा सा लेग है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। ये हेडशॉट। अब गेमिंग के बाद बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके केस में आपको मिलती है 320 एमएच की बैटरी और सिंगल ईयरबड में आपको मिलती है 35 एमएच की बैटरी, और एक बार फुल चार्ज करने पे इसमें हमें 50 घंटे का बैकअप मिलता है। लेकिन आई थिंक ये बैकअप यूजर टू यूजर वेरी करेगा, क्योंकि कुछ यूजर 80% वॉल्यूम पे म्यूजिक प्रीफर करते हैं और कुछ 60% पे। इसका एक फीचर तो मुझे बड़े काम का लगा, क्योंकि मैं बार बार ईयरफोन को चार्ज करना भूल जाता हूं, तो इसे आप मुझे सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके 60 मिनट का बैकअप मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब इसका कॉलिंग टेस्ट करके देखते हैं। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बोट ATEM 81 के हर ईयरबड पे 2 माइक लगे हैं। देख पिंचू, बोट की नई ईयरफोन आई है और ये 5 मिनट में चार्ज करने पे 60 मिनट का बैकअप देती है। और इस ईयरफोन में ENX टेक्नोलॉजी भी है जो कि बैकग्राउंड नॉइस को मिनिमाइज करती है। इस स्पीकर में मैंने प्ले कर दिया है ट्रैफिक, तो देखते हैं क्या ये ENX टेक्नोलॉजी इंडियन सड़कों पे काम कर पाएगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अरे बहुत भयानक ट्रैफिक में हूँ मैं, मेरी आवाज आ रही है अभी? तो अगर आपके ईयरफोन में ENX टेक्नोलॉजी है और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो जीतेगा तो ट्रैफिक, क्योंकि इंडियन ट्रैफिक तो ट्रैफिक है। इसे इतना यूज करने के बाद अब मैं अपना ईमानदारी वाला एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ही देता हूँ। तो अगर आपको स्लो सॉन्ग पसंद है, दिल की शांति वाले, तो ये ईयरफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ईयरफोन सारे एस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म करती है। तो अभी आप कौन से ईयरफोन यूज कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, पीस आउट। We'll be right back.